ऐसा क्या चीज तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए करें, ऐसी क्या चीज तुम चाहती हो तुम्हारे घर में चेंज हो, तो तुम बिल्कुल सही हो जाओगे. व्हाट डू यू नीड टू बी मोर, ताकि चीजें आज खत्म हो जाए, ये चीज आगे जनरेशन में ना जाए. ये कि अम्मी ज्यादा तवज्जो दे मुझ पे, आप घर में लाए नहीं कोई भी, कोई शाउट नहीं करे किसी पे भी, सब खुशी खुशी रहे और कोई कोई लड़े, और अम्मी तवज्जो सब पे दें, किसी पे ज्यादा नहीं दें, उन सब पे इक्वल दें. ठीक है, और तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा अप्रिशिएट करें, अगर तुम्हारे ही मामा, अगर आसिया आप प्लीज जरा सा मैं आप लोगों की तवज्जो चाहती हूँ, अगर आप शिजाना की दोस्तों के सामने अगर उसको ये फील होता है कि वो मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट करती हैं, अगर आप कोशिश करें फॉर मैं एक ऐसे क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, कि अगर उन्हीं दोस्तों के सामने आप शिजाना को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, शिजाना ये रियलाइज करती है कि आपने उसकी साइड ली है, वो ये रियलाइज करती है कि आप उससे प्यार करती हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि शायद आप उससे ज्यादा डांटती हैं, नफरत ज्यादा जगह कर गई है बनस्बत आपके प्यार के. अब अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुमसे प्रिसाइसली तुमसे मैं कहूँ कि अपनी वालदा से तुम जो भी चाहती हो, जो भी चाहती हो प्रिसाइस दो से तीन सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट करो और इस बात का तुम वादा करो. एंड इफ यू फील डू यू फील दैट यू आर सॉरी, तुम्हें लगता है कि तुम सॉरी हो, बुरा लगता है तुम्हें जब तुम लड़ती हो. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी वालदा जो तुम चाह रही हो वो तुम्हें कल से आज शाम से आज दोपहर से देना शुरू कर दें, अटेंशन देना शुरू कर दें, प्यार देना शुरू कर दें, तो तुमने अपने पहले सेशन में कहा जो मेरे साथ तुम्हारा अकेले हुआ कि ये सब भूलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम अभी अपनी वालदा जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें देने के लिए अगर राजी होती है, लेकिन मैं तुम्हारी वालदा सवाल पूछूंगी, बट जो भी तुम्हें मैं कहती हूँ तुम सॉरी कहो, यानी जो भी तुम्हारे दिल में बात है उसको क्लियर करो, सॉरी कहो, और जो भी तुम्हारी डिमांड है उसको अपनी वालदा के सामने रखो, जो तुम्हें लगता है जायज है, नाजायज जमानी जो तुम्हें लगता है तुम वालदा कर सकती है, और अगर वो एग्री करती है तो तुम हर पुरानी बात को भुला सकती हो, ये तुम्हें अभी डिसाइड करके मुझे बताना है. ठीक है बच्चे, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज चूंकि तुम्हारी मामा की आंखों में मुझे मुझसे के आंसू नजर आ रहे हैं, ही इज बीन क्राइंग थ्रू आउट, तभी उनके गले लगे हुए हो. आई वांट टू सी दैट, अगर प्यार करोगे तो मामा कैसे करोगे, सीरियसली गो अहेड गो अहेड. कैसा लग रहा है जाना बाबा, रोना आ रहे तो रो लो, सीजो मामा, कुछ भी हो जाएगा आप वो हमेशा प्यार करेंगी. और चिपक के बैठो यार, चिपक के बैठो, पड़ोसन थोड़ी है, जोर से हल्दी करके. ओए मेरा बेबी, और कहो जो मैंने कहने को कहा है. ऐसा रोया कभी है छोटू? ऐसा रोया कभी है? कभी भी नहीं रोया. रियलाइज किया कभी इस चीज को? कैसी फीलिंग आ रही है ना लगा अपनी मम्मी के दिल से लग के, तुम्हें लगता है तुमसे प्यार करती है? एक एक सेटिस्फेक्शन हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है, लग रहा है कि बस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे लिए एक शेल्टर है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी अपने ने प्यार किया है. ये होती है माँ बेटा, ये होती है माँ, ये है माँ का एक एहसास, ये है माँ की एक मोहब्बत, जो कि आप कुछ भी कर ले आपकी जिंदगी में ये जो एक एहसास है ना, ये कोई और नहीं दे सकता. आप खुद आपके भी आई नो एक मोमेंट ऐसा है जो हम देखते हैं कि जब वाकई हम लोग बहुत गुस्सा कर जाते हैं माँ बाप के ऊपर, लेकिन हमें रियलाइज, जैसे कि आसिया ने कहा, रियलाइज तब होता है जब हम खुद इस चीज से गुजरते हैं. आपका अगर कोई सवाल है, हमारी कॉलर भी है हमारी, या बॉक्स बॉक्स अगर हम पहले कर लें, हमारी बॉक्स बॉक्स पहले कर हैदराबाद, हमने यही सवाल कराची, लाहौर, दुबई के जितने भी हमारे अपने हैं उन लोगों से पूछा. उसके बाद वापस आते हैं आवाम के, हमारे जो ऑडियंस है उनके सवालात. प्लीज सही दाथा ये देखिए, उस बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करें, कुछ भी उसको प्यार से गाइड करेंगे कि भाई ये बुरी बात है, ये अच्छी हरकत नहीं, आराम से बैठ के समझाएंगे, उसको डांटेंगे थोड़ी, डांटेंगे तो और दीदी होगा, मजीद हाथ नहीं उठाएगा, घर से भाग जाएगा. क्या समझाऊंगा और क्या कह सकता हूँ.
समझाएंगे उसको, बताएंगे कि मतलब ये इस तरह का अच्छा नहीं है, उसको जो भी मतलब कर सके उसके बारे में. First I would explain to him nicely and then if he continued then I would have to punish him with maybe raise my hand also. बच्चा जिद्दी हो जाए, अगर शरारती होगा तो खैर मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों में शरारत करना अच्छा लगता है, और अगर जिद्दी होगा तो डेफिनेटली उसको रोकना पड़ेगा, उसको मना करना पड़ेगा और सब जो है वो तरबियत पे डिपेंड करता है. पहले तो एक दफा समझाओगे, नहीं मानेगा तो फिर बहुत जोर के एक थप्पड़ लगाओ. हाथ उठाने लगे उसके ऊपर तो सिंपल आप यही कर सकते हैं कि आप कुछ उसको इस टाइप की, आजकल मीडिया इतना फास्ट है तो आप उसको उस तरीके के गाइडलाइंस हैं, आजकल स्कूल्स प्रोग्राम्स हैं, बच्चों के काफी प्रोग्राम्स आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हम उसको उसी तरह उसी चैनल्स की तरफ ले जाएं जहाँ पे उसको उस कुछ लर्निंग स्टेज हो उसका, कि अभी दूसरे बच्चों को देख के किस तरह से लोग मिलकर रह रहे बच्चे, किस तरह से वो लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. उसे हम समझाएंगे ऑफकोर्स, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली उसको गुस्सा करके उसको बताना तो पड़ेगा जो वो कर रहा है वो गलत है. बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन अब उनको ये तो नहीं कि आप बड़ों की तरह जो है उसे डांटेंगे या उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, सिंपली मैं बहुत प्यार से बहुत लवली होकर जो हमको समझाना पड़ चाहिए, प्यार करना चाहिए, हमको प्यार की बातों में बताना चाहिए कि हाथ में उठाना चाहिए. रात एक बार फिर मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया. 08007726 में कॉल कीजिए. आज शहजाना ने अपनी वालदा को पहली दफा गले लगाया, पहली दफा उन्हें सीने से जाके लगी और वो फीलिंग जो है उसने पहली दफा एक्सपीरियंस की है. रुच का एक और सवाल रह गया लेकिन हम ऑडियंस के सवाल से शुरू करेंगे और एक जुमले पर बाद में हम खत्म करेंगे. जी जी आसियम जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह भी आपने कहा कि आपका भाई जब बॉर्न हुआ तो आपको लगा कि आपकी मदर की तवज्जो आपकी तरफ से कम हो गई है, एग्जैक्टली यही चीज शहजाना के साथ हुई है कि इनकी बहन हुई तो ये जब से कॉम्प्लेक्स का शिकार हुई इनको ये लगा है कि इनकी तवज्जो आपकी तवज्जो इनकी तरफ से कम हो गई है. ऐसा ही शुरू में तो इस तरह का मुझे फील नहीं हुआ था 3-4 साल के बाद, लेकिन जब इसकी स्कूल से कंप्लेंट और घर में इसके एटीट्यूड, जैसे बच्चा स्कूल क्लास 1 में आई, क्लास 2 में आई टीचर से, फिर वो मेरी अम्मी के साथ, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने ज्यादातर जो छोटी वाली के साथ बेटी की. आप उसको ये बताएं कि जितना प्यार आप उसकी छोटी बहन को करती हैं उतना ही आप उसको करती हैं, जिसको मैंने एहसास दिलाया. शहजाना के लिए छोटा सा मैं मैसेज दूंगी कि रहते ही मेरे साथ फरिश्ते दुआओं के, मैं खुश नसीब हूँ, मेरी माँ हयात है. क्या बात है. खूबसूरत से चेहरे पर यहाँ लेते हैं एक अच्छा सा वक्फा, वापस आई जल्दी से एक स्माइल के साथ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का कि हम लोग ने एक नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सबने यहाँ कोशिश की और सब लोगों की एक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, सबसे के बाद ही हमारे साथ रहेगा. अगर आपका बच्चा बदतमीज हो जाए और आप पर हाथ भी उठा ले तो आप क्या करेंगे या आप क्या करेंगे. लाइव ऑडियंस का यहाँ पे बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शामिल होने का. सिर्फ फायमा है एक ऐसी माँ जो इस्लामाबाद से हमारे साथ ही, मुझे जरा कम कीजिए, और उन्होंने अपनी शिकायत SMS पे लिखी कि माया मैं उरूद से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी के हवाले से उरूद से बात करनी है. फायमा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम जी. माया, मेरा नाम फायमा है, मेरी एक बेटी है उसका नाम सामिया, ही 5 years old. ओके, तो वो मुझे बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है, बहुत पैम्पर्ड है, वो मेरा कोई कहना नहीं मांगती, मुझे हिट करती है, उसकी वजह से बहुत परेशान. अच्छा, तो ऐसा कोई वाकया जब आपके साथ इस हद तक बदतमीजी हो जाए कि आपको शायद मारना भी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ किया कभी उसने? मैं एक्चुअली खुद मुझे फील होता है कि मैं कहीं तक बहुत हाइपर हो जाती हूँ, मैं बहुत शॉक करती हूँ, फील होता है कि मेरी इसमें शायद गलती है, तो वो इसने शायद पे किया है, तो वो वही चीज मेरे ऊपर रिपीट करती है. तो एक्चुअली आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर फॉर लास्ट 1 year. आई एम सो सॉरी सामिया. हेलो, अल्लाह अगर आपको जिंदगी सेहत दे. बिल्कुल, तो मैं शायद उस वजह से भी उसको उतनी अटेंशन नहीं दे सकती. मैं कभी लाहौर में शाहरुख खान से उसका इलाज करवा लूँ, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर,
तो मैं कहती हूँ बहेज ही देखी है, तो मैं उनसे विजिट करना चाह रही थी, मुझे इसकी कोई थेरेपी बताएंगे। श्योर श्योर, तो आप उरुष का नंबर भी आ रहा होगा, आप जरूर उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा सामा। थैंक यू सो मच जी। अब हम सवाल लेंगे, अगर कोई सवाल है। आई एम मिसेस आमिर जिला में। थैंक यू। मेरा मदर से करीब पूछा, मेरा मदर से एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, एक प्रॉपर लाइन कह लीजिए, जिसको लास्ट 20 मिनट्स आई फाउंड देयर इज अ रूड एटीट्यूड विद द चाइल्ड। अच्छा, जब गले भी लगाया ना वैसे ही लगाया जैसे मैं अपने बच्चे को लगाती हूँ। आप कैसे लगाती हैं? ज्यादा बच्चे से इन्वॉल्व होकर बच्चा जैसे जब बन जाए ना तो बच्चा कहता है हमारी मदर नजदीक है। मेरा बेटा सम टाइम ट्राई टू हाइड समथिंग। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही कम्स टू मी। अभी एक बात को नाराज तो नहीं होंगी, ही जो मेरी 5 years old। अच्छा, थप्पड़ तो नहीं मारेंगी? अच्छा बेटा जानू बोलो बात क्या है। बोले जानू नहीं इस दफा आपके सच बोल रही मामा कुछ नहीं कहेंगी। ही इज वेरी फ्रेंडली विद मी एंड समटाइम ही इज वेरी रूड विद मी। व्हेन एवर ही इज रूड आई ऑब्जेक्ट हिम ऑन द स्पॉट। में उसको इस चीज को कहती हूँ जानू मामा से ऐसे बात नहीं करती, बड़े से ऐसे बात नहीं। थोड़ा सा एक गैप हमें भी फील हो रहा है, यू शुड इम्प्रूव इट and you will find something different. I hope you don't mind it. So sweet. जी आप कुछ कहेंगे? बदतमीजी करी बच्ची ने, आपने कैसा उसके साथ रिएक्ट किया? डांटा उसको मैंने, डांटा। पहली दफा में आपने उसको डांट के इस तरह से जब बिहेव किया तो बच्ची के जहन पे जाहिर है ये असर पड़ा कि माँ मुझसे नफरत करती है और मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। आपको चाहिए था कि उस वक्त उसको स्पेस देती, पहली दफा समझाते हैं कि बेटे तुमने ये काम गलत किया है। असल में आपकी बात काट रही हूँ बीच में, हुआ ये था कि जो मेरी छोटी वाली बेटी जब पैदा हुई है तो ये 1 साल की थी, 1.25 साल की होगी, अगर बोलने की फेज में थी तो उसने छोटी वाली को उठाकर जो पॉटी पड़ी होती है उसमें बच्ची को बिठाती थी उसमें उसको डाल दिया था। उसका मुंह मतलब अगर मैं थोड़ी देर नहीं देखती तो वो होती नहीं, तो मैं एकदम से हाइपर हो गई थी उस वक्त, मानती हूँ। नहीं तो ये नौबत देखिए जब भी आती है ना, जब तक बच्चे को आपकी पूरी तवज्जो ना हो वो तो मान देगा, तो वो एक्सेप्ट कर मैंने ऐसा किया। बच्चों के साथ कैसा रवैया है? मेरे बच्चों के साथ मेरा बिल्कुल फ्रेंडली रवैया है। अगर वो गलती करते हैं तो मुझे सबसे पहले तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया, बचपन से उनकी हर बात को सुना समझा, जो उनकी खूबियाँ थी उन अपनी खूबियाँ बताएं और उनको उनकी जो बुराइयाँ बुरे पहलू हैं उनको बताया, उनको नोट डाउन किया कि किस, और फिर अपने हाथ पे रखी उनकी जो खूबियाँ हैं जिसमें इंटरेस्ट है उनको, तो ये चीजें उनकी कमजोरियाँ अपने पास रखी। अच्छा, कोई और सवाल आप कोई और सवाल करना चाहेंगे? जी आप मैं तारीफ करवाई रखी, माइक जरा करीब कर लीजिएगा जी। मेरा नाम मिसेज इम्तियाज है और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब बच्ची के दोस्त आती हैं या सहेलियां आती हैं उस वक्त उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो। हमेशा उसको जरूर कहें, आप जरूर कहें, लेकिन आप उस बच्चियों के जाने के बाद मैं इसको भी आई ट्रूली एडमिट है ना कि वो जब लोगों के सामने होता है ना जैसे बड़ा इंसल्ट हमारी दोस्तों कुछ कहा जाएगा तो हमें जो भी हो ना वो बड़ा ही वो होता है इस तरह। अब हम सब बहन की जनरेशन या मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने घर का मतलब मेरी बहनों बहने और भाई भी कहते हैं कि मम्मा तो बेटा हर जगह डांट देती है, वो टेंशन नहीं। अच्छा, मुझे नहीं करती, वो कहती बाद में जो भी डांटना हो मुझे अकेले में डांटती है। लेकिन प्रॉब्लम होता ना टाइम के वक्त के साथ साथ एक जो चेंजेस आते हैं वक्त में माहौल में उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बात मतलब बिल्कुल मान ली जाती बात मुझसे, लेकिन इत्तेफाक 3-4 दफा ऐसा हुआ कि जो या तो कोई कॉल आए या मुझे पानी चाहिए था या मुझे कैसे जरूरी काम था एंड शी वॉज बिजी विद हर फ्रेंड्स, तो मैं ना चाहते हुए भी रूड हो गई। बेसिकली अब इशू आप ये कि हर एंगर इश्यूज है। हाँ, एंगर इश्यू है वो आगे से ट्रैवल भी किया है ना जनरेशन में। मैं उसको कुछ तो आएगा ब्लड का, कुछ ना कुछ तो आएगा ना कि अगर आप बुद्धि थे तो वो चीज अगर आ गई।
بچے میں آپ سے پوچھتی ہوں اگر مشرانہ اگر آئندہ کیونکہ آپ نے کیا کیا کبھی آپ دوستوں کے سامنے اگر آپ کی ماما آپ اگر کہہ رہی ہیں تو کیا یہ بات سچ کہہ رہی ہیں کہ دوستوں کے سامنے آپ نے نہیں سنی ماما کی آواز؟